मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू पैशनेट कल्पना। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। भोलेनाथ की कृपा से मैं यहाँ सुबह उठते हुए अपने घर में बहुत मज़े में हूँ। आप लोग भी अपने अपने घरों में मज़े में रहिएगा। और देख सकते हो मैं सुबह सुबह सो के उठी हूँ और अपना थोड़ा सा फेस वॉश करके ठीक ठाक हो गई हूँ। उसके बाद मैंने कहा आप लोग से बात कर लेती हूँ। और अभी मैं पानी लेके आई हूँ गर्म बना के, जो मैं पीती हूँ, मेरा सुबह का पहला चाय या कॉफ़ी या वार्म वाटर, जो भी कह लो। लाइफ यहीं से स्टार्ट होती है मेरी, तो बस स्टार्ट हो गई। तो और बताइए गाइस, आप सुबह सुबह क्या कर रहे हो? अरे यार, ये लिप ग्लॉस बहुत चमक रहा है, लिप बाम बहुत ही साइनी है। वाह, क्या बात है, तो ग्लॉसी ग्लॉसी है पूरा एकदम। लग रहा है लिप्स पे कुछ अभी भी खा के पोता हुआ है। तो आप सुबह सुबह क्या करते हो मुझे बताइएगा। और हेलो, मैंने तो अब तक अपना दिल लेके बैठी हो, तुम्हारा दिल लेने के लिए तुम्हारा से ज़्यादा अब तक नहीं आया। माय गॉड, सो सैड। कब से अपना दिल लेके बैठी है, फूल भी लेके बैठी है, इतने सारे गुच्छे, इतने बंच पूरे, लेकिन कोई भी ले इसका दिल लेने नहीं आता है। बहुत आओ भैया इनका राजकुमार, आप भी कहीं हो दुनिया में तो आओ आओ बताओ गाइस। सुबह सुबह उठो तो थोड़ा सा चेहरा स्वेल स्वेल लगता है, पूरी फुली फुली सी आंखें एकदम जैसे लगता है फूल के बाहर आ रही है। देखो अजीब सी लगती है। कल मैं आपको बताऊं, पता नहीं क्या कभी कभी मुझे होता है, मुझे रात भर नींद नहीं आती है। तो कल की जो रात थी वो मैं सोई नहीं, सुबह 5 बजे तक मैं जगी थी। फिर थोड़ी सी लगी मुझे 5 से 6 ऐसे कुछ नींद थोड़ी सी, उसके बाद फिर मैं उठ गई। और फिर मैंने ठाना कि एक्चुअली दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर लो तो फिर रात को मुझे नींद नहीं आती है। मुझे 24 घंटे कुछ करने की आदत है, 24 घंटे मतलब जब तक जगने का टाइम है मैं सोती हूँ, मैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करती रहूँ। मुझे बैठना नहीं अच्छा लगता, अपने आप को थकाना अच्छा लगता है। तो हुआ यूँ कि परसों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी दिन में, तो खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं थोड़ा सा लेट गई थी और फिर मैं सो गई थी नींद में। और वही मेरे को नुकसान किया कि आप फिर रात भर जगो, दिन में क्यों सोए हो? तो पूरी रात मैं जगी हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोई। सुबह के 5 बजे जाके मैं थोड़ी सी सोई हूँ, 6 बजे उठ गई हूँ। और आज की जो रात बीती है उसमें मैं पूरा सोई हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी नींद आई थी कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ। सुबह मेरी आँख नहीं खुल रही थी, बहुत मुश्किल से तो उठे हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करके अपनी लाइफ, पहली रूटीन, ये मेरा फेवरेट मग है और इसी मग में मैं पानी भी पी लेती हूँ, चाय भी पी लेती हूँ, कॉफ़ी भी पी लेती हूँ। तो आपको रेगुलर लगभग यही मग दिखता होगा, कभी कभी चेंज दिखता होगा क्योंकि यही सामने है, मैं अपने लिए रोज़ के लिए निकाल के रखती हूँ। तो होता ना, आदमी को किसी चीज़ से बहुत प्यार हो जाता है, कोई एक ही चीज़ उसको सामने उसको अपने लिए अच्छी लगती है, उसी पर आपका दिमाग जाता है। मेरा भी ये है कि मुझे यही मग सबसे अच्छा लगता है, तो फट से मैं इसी को उठा लेती हूँ, चाहे भी क्यूट सा है, बिल्कुल अच्छा दिखता है ये, श्योर सा चॉकलेट कलर। इसको देखती हूँ तो मुझे कॉफ़ी और चॉकलेट याद आते हैं, चॉकलेट तो मुझे खाने नहीं रहते, सो सैड। रोने की बात है, बहुत बहुत बुरी बात है। चॉकलेट बस देख सकते हैं, खा नहीं सकते, चॉकलेट के नाम पे गला भी खराब हो जाता है। तो भाई आप ध्यान देते हो कि मैं अक्सर चाय पानी सुड़ करके पीती हूँ, मुझे सुड़ करके पीना अच्छा लगता है। सुड़ करके पियो, एक मज़ा आता है। इसे कहते हैं ये बैड मैनर है, आपको थोड़ी भी कोई आवाज़ नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना है यार, अच्छी बात है, जिसमें आपको खुशी मिले वो आपको करना चाहिए, जो आपको अच्छा फील कराए वो आपको करना चाहिए। अब ये ना करो, वो ना करो, वो ना करो, तो करें क्या? मैनर बस उतने ही दिखाए जितने में दूसरे को कुछ हमसे हार्म ना हो और किसी की हम बेइज्जती ना कर रहे हो, ऐसी बदतमीजी ना करें। बकिया तो अपने आप के लिए आप जैसे भी जी लो, हाँ अपने आप को भी थोड़ा सा अच्छे से जियो, ठीक है, बट थोड़ा सा मस्ती चलता है। लाइफ को तब बांध के मत रखो बहुत सारे रूल्स में कि ये करें ये ना करें, ऐसे करें ऐसे ना करें कि आपका दम घुटने लगे।
आप ऐसे बिंदास रखो अपनी लाइफ को कि जो सही है उस हर सही को करो। सही को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही करने के लिए बना होता है। हाँ, गलत इन द सेंस कि कुछ ऐसे फन मस्ती है तो उसको आप कर सकते हो, बाकी जो बहुत गलत है उसको तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। गलती से, गलत से, गलत लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। तो बस यही है। और छोटी मोटी जो अपने लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट हो और बहुत सारी फन मस्ती हो वो तो बनता है सर जी, मैं तो करती हूँ। और बताइए, सुबह सुबह बहुत बातें हो गई। चलिए फिर मैं ये पी लेती हूँ टक टक टक, उसके बाद बहुत सारा काम करना है स्टार्ट। ओके बाय गाइस। ये देखो मैं पराठा बना रही हूँ नाश्ते के लिए, बच्चों के लिए। और मैं बस ऐसे ही सिंपल से पराठा बना लेती हूँ, सिंपल वाला जो पराठा होता है वही बना रही हूँ, जो रेगुलर सब लोग अपने अपने घर में बनाते हैं, ये तिकोना वाला ट्राइंगल इसको कह लो। बस ऐसे पराठे बना लेती हूँ फटाफट से, और बस बच्चों को बहुत पसंद है। एक्चुअली कभी कभी होता है सुबह सुबह आपको कुछ हल्का सा नहीं मन करता, थोड़ा सा हैवी हैवी सा मन करता है कि पराठे खा ले, सब्जी खा ले या फिर पूड़ियाँ खा ले। बच्चों ने आज कहा यही खाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। और इसके बाद फिर मैं अभी आलू मटर की सब्जी बनाऊँगी, सिंपल सी हल्की सी ग्रेवी वाली, की जो पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है, आलू मटर टमाटर की हल्की ग्रेवी वाली, उसमें डिप कर करके खाओ ग्रेवी में पराठा, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो बस यही मैंने सोचा चलो ठीक है बना देते हैं आलू मटर टमाटर की अच्छी सी। टमाटर को मैंने पीस कर उसका प्यूरी डाला है, तो बस ऐसे ही सिंपल सी आलू मटर टमाटर की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म पराठे, जिसको खाना है वो नाश्ते में खा सकता है। आइए आप भी खाइए गर्म गर्म पराठे और सब्जी। और चलिए फिर इसके बाद फिर बहुत सारा काम है कर लेते हैं, फिर आपसे बाद में मिलते हैं। हाय गाइस, बहुत देर के बाद मैं आपसे बात करने के लिए आ गई हूँ। और आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? ये देखो, ये मैं एक साड़ी है, गोल्डन कलर की साड़ी है मेरी, और इसको मैं इसका होता है ना वो आंचल स्टिच कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने देखा ऐसे तो इसका आंचल ही स्टिच नहीं था, फॉल लगे हुए हैं सब कुछ है बट आंचल स्टिच नहीं है। आंचल इन द सेंस की जो कमर में टक करते हैं वहाँ का एक साइड का स्टिच नहीं है, और एक साइड का उसने करके दिया मुझे जहाँ हम कराते हैं। तो बस यही है। तो मैंने देखा हम कह रहे यार ये तो इनकम्प्लीट है, तो मैंने कहा आप एक साइड का कराने के लिए फिर उतनी दूर जाएं फिर दें कोई मतलब नहीं है, और अभी अभी बहुत सारी साड़ियां मुझे देनी ही नहीं करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बैठे बैठे इसको अपने हाथ से हेमिंग कर देती हूँ, तो जो कमर में टक करते हैं उस वाले साइड का, और मैंने उसको क्या कहते हैं हाथ से खट 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 हेमिंग कर दिया। तो कर रहे हैं अभी फाइनली, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा किया अभी, तो बस यही कर रहे बैठे बैठे। और एक मेरी कुर्ती थी तो मैंने उसको लिया था, तो वो मेरे को डेली डेली सब एक बार उसको अल्टर कराओ फिर लूज हो रहा है, फिर कराओ फिर लूज हो रहा है, कितनी बार कराएंगे। तो मैंने भी उसको हाथ से कट 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 स्टिच कर दिया। मैंने कहा चलो काम चला हो गया, फिर बाद में उसको मशीन चलाएंगे। अब एक एक कपड़े पर मशीन चलाना ना बहुत अजीब सा लगता है फिर। तो बस बैठे बैठे मैं यही कर रही हूँ। मैंने कहा चलो फिर आपसे थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ, बहुत देर से आपसे बातें नहीं हुई है। हाँ, एक सांस में तुम्हें मैं बोलती हूँ पहले, या फोकस नहीं आ रहा था क्योंकि लाइट ज़्यादा थी तो नहीं आ रहा था, अब भी जाके आया है, बहुत ब्राइट ब्राइट सा हो रहा था। तो और बताइए आप क्या कर रहे हो? मैं अरे फिर फोकस गायब हो जा रहा है। चलो ठीक है, लग नहीं रहा ये मुझे बात करने देगा कैमरा, मैं बाद में बात करती हूँ। चलिए बाय। बॉयल्ड आंवला है जिसका बीजा मैंने निकाल दिया है, इधर देखो
और ये है, इसको मैंने अलग अलग पार्ट में टुकड़ों में कर लिया है। और इसमें मैं अब थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी और उसके बाद इसको हल्का सा, इसको ब्लांच किया था हल्का सा, और हल्का सा क्रंची क्रंची अंदर है इसमें, अभी क्रंचीनेस इसका बरकरार है। और बस इसको बस थोड़ा सा इसमें मसाला ऐड करूँगी, नॉर्मल सा मसाला उसमें ऐड करूँगी, वो पचफोरन जो होता है, जो 5 मसाले होते हैं मिक्स करके, वो हल्का सा मैं उसको रोस्ट करके और उसको ग्राइंड करके उसमें डालूँगी। और मस्टर्ड ऑयल डालूँगी, नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर जो होता है वो डालूँगी। बस ये एक अच्छा सा चटपटा सा हो जाएगा। और आप उसमें चाहो तो आप उसमें थोड़ा सा खट्टा के, खट्टापन के लिए थोड़ा सा उसमें ऐड कर सकते हो। इसमें तो ऑलरेडी आंवला खट्टा ही होता है, लेकिन आप ऐड कर सकते हो थोड़ा सा वो मस्टर्ड सीड भी जो होता है उसको, या राई जो येलो वाला होता है उसको आप ग्राइंड करके थोड़ा सा ऐड करोगे। मैं भी करूँगी, तो एक चटपटा सा रेगुलर यूज का सिंपल सा एक अचार तैयार हो जाएगा पिकल। और आप चाहो तो थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर सकते हो उसका पेस्ट बना के। तो बस बहुत अच्छा सा एक सिंपल सा पिकल तैयार हो जाएगा जो आप रेगुलर यूज में थोड़ा सा खा सकते हो, क्योंकि हल्का सा ब्लांच है तो बहुत ज़्यादा दिन इसको पकाने की जरूरत नहीं है। और मसाले भी हल्के हल्के रोस्ट करके डालने हैं तो पकाने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको दो चार छः दिन धूप दिखाने के बाद से उसको यूज कर सकते हो। तो बस यही मैं बनाने जा रही हूँ, तो ये देख लो। और इसमें मैं मसाले वसाले सब रोस्ट करके मिक्स करूँगी। गाइस ये देखो, ये रोस्ट हो रहा है, ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा करना है कि थोड़ा सा इसका जो कच्चा कच्चा सा फ्लेवर हो ना, जो कच्चा सा इसका स्वाद हो वो ख़त्म हो जाए और हल्का सा इसकी सूंधी सूंधी सी इसमें खुशबू आ जाए, थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाए। क्योंकि जो आंवला है वो थोड़ा सा बॉयल्ड है, हल्का सा ब्लांच कह लो, तो फिर उसमें कच्चा डालेंगे तो मसाले पकने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत ही ज़्यादा ही पक जाएगा वो, तो इस वजह से थोड़ा सा रोस्ट रहता है तो डालने में इसका स्वाद अच्छा आता है और जल्दी से पक जाता है, ये पका हुआ ही रहता है। तो आप अचार को जल्दी से यूज कर सकते हो, जल्दी इसको खाना स्टार्ट कर सकते हो, बहुत लंबे समय तक उसको धूप में रख करके आपको पकाना नहीं पड़ेगा। उसका जो एक्चुअली मस्टर्ड सीड उड़ होता है ना, वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा फ्लेवर आता है, तो वो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो बस ये है, तो ये देखो गाइस, ये मैंने हल्का सा बहुत थोड़ा सा दरदरा इसको मैंने पीसा हुआ है और ये ग्राइंड हो गया फाइनली, और इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। बस मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, नमक थोड़ा ज़्यादा रहने से थोड़ा सा अच्छा लगता है चटपटा सा, और इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि तीखा भी तो चाहिए, बाकी ये बहुत ज़्यादा मत ऐड करो, फिर भी थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए। और फिर इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ, बस अब इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखो ये अचार रेडी हो गया है। गाइस ये देखो, ये पिकल रेडी हो गया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बस अब इसको आप यूज करो, जैसे चाहते हो वैसे यूज करो, आप रेगुलर खाओ थोड़ा थोड़ा सा या फिर कभी कभी खाओ। वैसे आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए रेगुलर थोड़ा सा आंवला पेट में जाना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए और सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो आपको आंवला यूज करना चाहिए। तो इसे बनाओ पिकल और इसको यूज करो। हाय गाइस, पता है मैं भी वॉक करने जाने वाली थी तो उसके पहले मुझे पास्ता मिल गया बना बनाया। मैंने कहा पहले पास्ता एंजॉय कर लेते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो उसके बाद फिर हम पास जाते हैं और वॉक करके आते हैं। और अभी ठंडी भी कम हो गई है तो ऐसे आप बिना स्वेटर के जा सकते हो और अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, अच्छे लग रहे हैं यार वीडियो में, ऐसे अच्छे लग रहे हैं देख के, वाह वाह क्या बात है क्या बात है, टनाटन टनाटन। तो बस ये चाय है मेरी और इधर पास्ता है, तो मैं इसको खा के फिर अभी पार्क में वॉकिंग के लिए जाऊंगी, फिर वहां से आऊंगी,
फिर उसके बाद बस उसके बाद जो घर का काम मेरा अपना होता है बस वो करूँगी। आपको पता है आज मैंने आंवले का अचार बनाया, और रेसिपी मैंने रेसिपी क्या है मतलब अचार बनाया तो मैंने सूट कर लिया और आप देख लेना कल। और अचार आंवले का मतलब कि आंवला बहुत फ़ायदेमंद होता है भाई, आपको भी पता है, हेयर्स के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी होता है, और आपको इंटरनल बॉडी के लिए अच्छा होता है, पेट के लिए अच्छा होता है, और सबके लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे आंवला जूस पीते हैं उसी तरह से आंवले का अचार भी खाना चाहिए, आंवले का मुरब्बा भी खाना चाहिए। तो मैं तो फिलहाल आंवले का अचार बनाया, मैंने थोड़ा सा आंवला लेके आई थी तो उसको मैं डेली डेली उसको ग्राइंड करके उसका जूस निकाल के और उसको मैं पी लेती थी पानी में कभी कभी, तो मिक्स करके तो जूस बना के। तो अभी मैंने क्या किया, बहुत सारा है तो वो धीरे धीरे खराब होने लगता, तो मैंने क्या किया कि उसको हल्का सा बॉयल किया, ब्लांच किया, और फिर उसको फिर मैंने उसमें मसाले वसाले सब डाल के और उसको पिकल बना दिया। तो अभी मैं रेगुलरली उसको थोड़ा 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 खा सकती हूँ जब तक कि वो चलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो बस चाय ठंडी हो जाएगी, पास्ता भी ऑलरेडी ठंडा हो रहा है। और गाइस मेरा पास्ता होता है ना वो बहुत सिंपल बनता है, ज़्यादा ताम झाम नहीं पड़ता इसमें, बस हल्का तड़का मारते हैं, एक पास्ता मसाला डालते हैं, पेस्टो सॉस एक पैकेट डालते हैं बस, और बना देते हैं, बहुत तड़क भड़क नहीं बनाते हैं, और थोड़ा सा खाते हैं। तो चलिए मैं अपना पास्ता खत्म करती हूँ और आपसे कल मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ, नए जोश के साथ कुछ नया करते हुए। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा और घंटी जरूर बजा दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो गाइज और आपने बताया नहीं कल की वीडियो आपको कैसी लगी, मतलब कि वही कि घर में भी आप ऐसे 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 स्टाइलिश रह सकते हैं और अच्छे दिखाई दे सकते हैं। ओहो 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 बस यही है। तो बस वीडियो कैसी लगी आपने बताया नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चलिए बाय बाय, सी यू टुमारो, लव यू, हर हर महादेव।